फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी में एक बड़ी खबर आई आप सभी लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है नए साल पे आप सभी लोगों के लिए। तो आरआरबी ग्रुप डी में 1 लाख अब भर्ती होने वाली है। 62,000 जो पद थे उसकी जगह 1 लाख पद कर दिए गए हैं, यानी कि पोस्ट जो है बढ़ा दी गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के बारे में आज बात करते हैं कि इसमें 1 लाख पद कैसे बढ़ाए गए, यानी कि पहले 62,907 पोस्ट थी तो अब 1 लाख पोस्ट कैसे हो गई। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, को शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं कि बड़ी खुशखबरी आखिर है क्या उस आरआरबी ग्रुप डी के लिए, आप सभी लोगों के लिए एक नए साल की बहुत ही बड़ी सौगात लेकर आया है ग्रुप डी के, यानी कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो मैंने लाया हूँ। देखिए, पहले इसमें ग्रुप डी में 62,907 पोस्ट थी, ठीक है, 62,907 पोस्ट थी, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन इसमें उन्होंने भी भरा था जो कि लोको पायलट का एग्ज़ाम दिया था जिन्होंने, यानी CEN-02 का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उन्होंने इसमें भरा है, ठीक है, यानी कि लोको पायलट वाले लोगों ने भी इसमें भरा है। और जिनका लोको पायलट में कुल 1 लाख पद थे और उन्होंने भर दिया इसमें, अब यानी कि जिन्होंने भरा है उसमें से कम लोगों ने तो भरा ही होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि लोको पायलट में भी उन्होंने भरा था जिन्होंने ग्रुप डी में भरा था, और ग्रुप डी में जिन्होंने भरा था उन्होंने लोको पायलट में भरा था। यानी कि जो अब अगर किसका हो गया ग्रुप डी में, अगर किसी का लोको पायलट में हो गया तो वो ग्रुप डी में क्यों जाएगा, ठीक है, सीधी बात है, यानी कि वो ग्रुप डी का एग्ज़ाम छोड़ देगा, यानी ग्रुप डी का फिजिकल भी छोड़ देगा, तो यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा उसकी जगह, ठीक है, और उनका होना था। यानी कि फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ा मौका है, क्योंकि पहले जो अगर वेटिंग लिस्ट में आ गया नाम, यानी कि अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया तो अब आप लोग समझ लीजिए कि आपकी जो पोस्ट है वो पक्की तय है। क्योंकि जिनका अगर लोको पायलट में हो गया, या लोको पायलट या टेक्नीशियन में, एलपी टेक्नीशियन में अगर उनका हो गया तो वो लोग इस पोस्ट को छोड़ देंगे। क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर जिसमें CEN-02 और CEN-03 यानी ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप डी की पोस्ट है, तो ग्रुप सी की पोस्ट में ही लोग जाएंगे, तो यानी आप सोच सकते हैं कि लोग ग्रुप सी की पोस्ट में जाएंगे और ग्रुप डी की पोस्ट को छोड़ देंगे, जिससे कि आपको मौका मिल जाएगा, यानी कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा मौका है। 1 लाख पोस्ट आप समझ लीजिए, क्योंकि पहले जो थी 62,000 थी, लेकिन लोको पायलट वाले लोगों ने भी इसमें भर दिया, जिसके कारण अब पोस्ट वो जो है लोग खाली छोड़ देंगे। पहले ही अटेंडेंस कम थी, आप लोगों को पता होगा अटेंडेंस पहले ही 60% थी, अब तो लोको पायलट वाले भी इसमें भर रहे हैं, यानी कि आप समझ लीजिए उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो लोग छोड़ ही देंगे, ठीक है। तो यानी समझ लीजिए कि अब इसमें पोस्ट 1 लाख हो चुकी है, अब आप लोगों को हार नहीं माननी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। तो अब लोग फिजिकल की तैयारी करना जल्दी शुरू कर दो, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देंगे तो आप फिजिकल एग्जाम भी क्लियर कर लेंगे, और फिजिकल क्लियर कर लेंगे तो आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। यानी कि अगर आपने ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम दिया है तो आप लोग अब समझ लीजिए कि आपका होना तय है, अगर आपके 60% प्लस नंबर बन रहे हैं। आपके लिए कटअप की वीडियो मैं आप जल्दी लाने वाला हूँ, कल ही लाऊंगा, तो आप लोग उस कटअप की वीडियो देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है, पूरा एनालिसिस के बाद बनाया दोस्तों, पूरे बहुत सारे कैंडिडेट्स के मतलब उनकी बनाए हैं, इसलिए आप लोग उस वीडियो को देखना जरूर, ठीक है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, मिलते हैं नए वीडियो में।